अस्सलाम वालेकुम। अभी इस वक्त इंडिया और यूएसए का मैच चल रहा है। इंडिया ने फील्डिंग टॉस जीतकर फील्डिंग डिसाइड की है। यूएसए पहली विकेट गिर चुके हैं यूएसए की। पाकिस्तानी आज बड़े खुश होंगे कि किसी तरह यूएसए जो है वो हार जाए और आयरलैंड भी यूएसए को हरा दे तो कोई पाकिस्तान का चांस बन जाए। और अगर हम पॉइंट स्कोर की बात करें इस ग्रुप की, तो इस ग्रुप की पोजीशन ये है कि इंडिया ने दो मैच खेले, दोनों जीता, 4 पॉइंट है। यूएसए दोनों मैच खेला, दोनों जीता, 4 पॉइंट है। इंटरेस्टिंग ये है कि यूएसए ने पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान ने 3 मैच खेले, 1 जीता, दोनों हार गया और 2 पॉइंट है। कनाडा 3 मैच सिमिलर सिचुएशन, 1 जीता, 2 हार गया। आयरलैंड दोनों मैच खेला, दोनों हार गया। अभी तक की ये भी बड़ा अजीब लग रहा है कि आयरलैंड बड़ी टफ टीम है, क्योंकि आयरलैंड ने भी पाकिस्तान के साथ सीरीज खेली तो पाकिस्तान को हराया था। आज इंडिया और यूएसए के साथ जो मैच चल रहा है, इंडिया ने टॉस जीत कर यूएसए को बैटिंग दी है। 1 विकेट पहले ही ओवर में गिर चुकी है। अगर इंडिया यूएसए को एक वन साइडेड मैच हराता है, अगर वन साइडेड मैच हराता है और आयरलैंड भी इंडिया यूएसए को कोई टफ टाइम देती है और हरा देती है मैच, तो फिर पाकिस्तान को अगर बारिश हो गई किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में, इंडिया यूएसए के मैच, इंडिया यूएसए और पाकिस्तान के किसी भी मैच में अगर बारिश हुई, सॉरी अब फिर एक और कर लें, यूएसए और पाकिस्तान के मैच में किसी भी मैच में बारिश हुई, यूएसए का किसी के साथ भी मैच हुआ, पाकिस्तान का किसी के साथ, अभी एक ही मैच रहता है, अगर उस मैच में बारिश हुई तो पाकिस्तान बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कराची या पाकिस्तान के लिए टिकट उसकी बुक है और वो वर्ल्ड कप से उसका रसाई बसा एक मैच खेलकर ख़त्म हो जाएगी। अगर पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करना चाहता है तो उसका चांसेस अभी तक यही है कि यूएसए अपने दोनों मैच हार जाए, पाकिस्तान अपना मैच जीत जाए, यूएसए दोनों मैच जो हैं वो बड़े ड्रास्टिक हारे और पाकिस्तान थोड़ा अच्छा जीत जाए। आज के लिए इतना ही। मैच चल रहा है, मैच के बाद ज़रूर वीडियो बनाएंगे और फिर उस पर अपना तजिया देंगे। बहुत शुक्रिया।